अगर आप CSC यूज़र हैं या जन सेवा संचालक हैं तो आपको प्रिंटर के अंदर ये शायद दिक्कत देखने को मिली होगी कि आपका प्रिंटर ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है या फिर चालू रहता है तो फिर दोनों लाइटें या तीनों लाइटें उसकी ब्लिंक ब्लिंक करने लगती हैं, जलबुझ होने लगती हैं या फिर कभी कभी सारी लाइटें जलती ही रहती हैं। कभी कभी इसके अंदर एरर भी आता है जिस एरर को कहते हैं कि आपका इंक लेवल में दिक्कत है या फिर टैंक फुल हो चुका है। तरह तरह के एरर आते हैं, यानी आपका प्रिंटर काम नहीं करता है, आप प्रिंट लेने की कोशिश करते हैं, प्रिंट भी नहीं मिलता है और इसलिए आपको इसके केयर पे जाना पड़ता है। लेकिन केयर वाले आपसे अच्छे पैसे वसूल करते हैं और केयर वाले भी इसी सॉफ्टवेयर की मदद से ठीक करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को आज मैं दिखाने वाला हूं। सो बने रहें इस वीडियो में, आपके प्रिंटर की सारी समस्याएं इसी वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाली हैं। बेफिक्र रहें, मैं अच्छे से गाइड करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके लिए आपको गूगल पर लिखना होगा कास्मी CSC, आप लिख कर सर्च करेंगे, ये हमारी वेबसाइट का एक लिंक है। हम आपको बता रहे हैं https://kasmi.blogsupport.com। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ आपको इस तरह इसका होम इंटरफेस सामने दिखता हुआ नजर आएगा। हमारे चैनल का लोगो भी आपको नजर आ सकता है, यहाँ पर फास्ट सीखो लिखा गया है। नीचे आप आएंगे तो नीचे जन सेवा केंद्र साइट बाय कास्मी CSC लिखा हुआ है, यहीं पर रीड मोर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो रीड मोर पर क्लिक करते ही इसका फुल पेज आपके सामने आ जाएगा। ये वेबसाइट है और जो ये पेज हमने बना रखा है ये जन सेवा केंद्र वालों के लिए खास तौर से है। इसमें बहुत सारी वेबसाइटों के लिंक दिए गए हैं, क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप उन लिंक को विजिट कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ इसके आएंगे तो आपको रीसेट प्रिंटर टूल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके इसके प्रिंटर को जो आपके एरर आ रहा है सॉल्व कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं अपने प्रिंटर को, क्योंकि आपने अपने प्रिंटर की सेटिंग के अंदर कंप्यूटर में कई बार रीसेट करने की कोशिश की होगी लेकिन फिर भी आपका कंप्यूटर से कोई काम ही नहीं हो रहा है, प्रिंटर आपका हरकत ही नहीं कर रहा है, दिक्कत हो रही है। आप किसी भी प्रिंटर को इसकी मदद से आसानी से रीसेट कर सकते हैं। मैं एप्सन L3110 प्रिंटर यूज करता हूँ, जरूरी नहीं आपके पास एप्सन L3110 प्रिंटर होगा, कोई सा भी प्रिंटर आपके पास है आप आसानी से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आपको जरा सा भी वीडियो मिस नहीं करना है, अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो फिर आप सही से गाइड नहीं कर पाएंगे और सही से काम नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी, एक ऑप्शन छोड़ने से भी आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। अगर भगा भगा कर वीडियो देखना चाहते हैं, स्किप करके वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप अपना टाइम खराब करें। अगर आप अपने काम को सही से ठीक ही करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर बने रहें। सो डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने है, डाउनलोड के बटन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे ये कुछ प्रोसेसिंग लेगा, ये लगभग 6 MB का ऐप है, 4 से 5 सेकंड के अंदर ही आपका कंप्लीट डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा। डेस्कटॉप पर क्लिक करके इसको सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड होता हुआ भी नजर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ब्लॉकेट डेंजर से लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे PC के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस कोई एक्टिवेट है जिसकी वजह से ये ऑप्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करके आप आएंगे अपने कंप्यूटर या PC की सेटिंग में, सेटिंग पर क्लिक करके अपडेट एंड सिक्योरिटी में, अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर विंडो डिफेंडर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये एंटीवायरस आपके विंडो की तरफ से ऑटोमेटिक मिलते हैं तो आप इन सबको क्लोज कर देंगे, रियल टाइम प्रोडक्शन और क्लाउड बेस्ड प्रोडक्शन और इसी तरह सिंपल सबमिशन ऑप्शन जो है ये सबको आपको क्लोज करना होगा। अपडेट सिक्योरिटी विंडो डिफेंडर के अंदर आपको इन तीनों को ऑफ कर देना है, या आपके पास अगर कोई एंटीवायरस एक्टिव है तो उसको भी ऑफ कर देना है क्योंकि इसके अंदर मालवेयर हो सकता है, इस वजह से इसको कंप्यूटर या PC आपका जो एंटीवायरस है उसको सपोर्ट नहीं करता, ताकि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप या PC के अंदर कोई वायरस आ जाए। सो हमने इन तीनों को ऑफ कर दिया है, फिर से हम कास्मी CSC सेंटर वाली वेबसाइट पर गए, कास्मी CSC.blogsupport.com और इसका जन सेवा केंद्र साइट बाई
कास्मी सीएससी, सबसे नीचे रीसेट प्रिंटर टूल के ऊपर हम गए, क्लिक हेयर पर हमने क्लिक किया, नया पेज ओपन हुआ मेगा डॉट एनजेड फाइल का, और यहाँ हमारा वो लिंक मौजूद है जो हमने यहाँ पर इसको सेव करके पहले से रख रखा है। हमने फिर से डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दिया है और ये थोड़ा सा वेटिंग आपके यानी 5-6 सेकंड ले सकता है और उसके बाद डाउनलोडिंग आपकी होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड के लिए ऑप्शन डेस्कटॉप पर आ चुका है, सेव पर हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देते हैं तो ये हमारा डाउनलोड फिर भी ब्लॉक हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे इसी एप्लीकेशन के अंदर जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर, इसमें ही कोई फॉल्ट है, ये हमारा डाउनलोड इसको नहीं कर पा रहा है। तो हमें ओपन करना होगा मोज़िला, आपके पास अगर मोज़िला है तो आप मोज़िला को भी ओपन कर सकते हैं। मोज़िला में एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। मोज़िला के अंदर हम जैसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होकर आ चुका है। आप इसके फोल्डर पर क्लिक करके इसको यहाँ से उठाकर बाहर भी ला सकते हैं और चाहे तो आप वहीं पर इससे वर्क कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि रीसेट प्रिंटर टूल हमारे पास आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके कंप्यूटर या पीसी में इस तरह की जिप फाइल बनकर नहीं आ रही है तो आपको विनरार या विनजिप एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप गूगल पर सर्च करके विनरार, जो मेरा पसंदीदा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। विनरार डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करके यहाँ ये वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आप अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पसंदीदा भाषा इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा 64 बिट, और अगर आपका पीसी कंप्यूटर 32 बिट में है तो 32 बिट को भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहरहाल हमारे कंप्यूटर पीसी के अंदर पहले से ही ये पड़ा हुआ है तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। हमने राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट फाइल पर हम क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके पर हमने क्लिक कर दिया है तो ये एक्सट्रैक्ट होकर रीसेट प्रिंटर टूल हमारे सामने आ गया है। हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद एक फोल्डर हमारे सामने आएगा रीसेट प्रिंटर टूल नाम से, इसको भी ओपन करेंगे और एक वीडियो लिंक आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को यहां से कॉपी करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप इसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं। आज तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी हो सकता है कि आपके पास ये वीडियो ही ना हो या आपकी प्लेलिस्ट से गायब हो जाए, तो इसलिए हमने इस वीडियो का लिंक इसके अंदर डाल रखा है। सो हम यहाँ पर एप्सन L31 दर रिसेट प्रिंटर टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप इससे ये ना समझे कि यहाँ से एप्सन L31 के ही आप रीसेट कर सकते हैं, ये खाली इसका नाम हमने दे रखा है, बाकी आप किसी भी प्रिंटर को इससे रीसेट कर सकते। तो हमने इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आप एप्सन L31 रीसेट टूल को फिर से ओपन करेंगे, एप्सन L31 ये वाले ऑप्शन जो आपके सामने फोल्डर आ रहा है इसको भी ओपन करेंगे, फिर एप्सन L31 रीसेट प्रिंटर टूल ये वाला ऑप्शन आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कीगन और एप्सन L31 मल्टी पीसी। तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके सामने एड GPROG वाला एप्लीकेशन नज़र आएगा। अगर ये एप्लीकेशन आपको नज़र नहीं आता है, ज़्यादातर केस के अंदर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि वहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन नज़र नहीं आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर कोई एंटीवायरस स्टार्ट है, इसकी वजह से ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले एंटीवायरस को ही बंद करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपने विंडो के अंदर विंडो डिफाइंडर में अपने एंटीवायरस को स्टॉप करेंगे। अगर कोई अल्टरनेट एंटीवायरस आपने अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है तो उसको भी ऑफ कर लेंगे, कुछ देर के लिए ऑफ करके रखेंगे और उसके बाद फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करते ही आपके सामने ये GPROG वाला एप्लीकेशन नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ लिखा आएगा दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड टू ZN, यानी हमें इसके लिए अपना एक की गन जनरेट करना होगा जिस की गन की मदद से हम इसको ओपन कर सकते हैं। की गन जनरेट करने का ट्रिक भी आपको किसी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ और सारी चीज़ें अच्छे से समझाने वाला हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें शो कराई गई हैं। आप फिर से ओके पर क्लिक करेंगे, आप इन्हीं ऑप्शनों के अंदर देखेंगे REGKEY.DAT रजिस्टर की डॉट डेट, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसको परमानेंटली डिलीट कर देना है या फिर सिंपली आपको डिलीट के बटन पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट हो जाएगा और अब
आपको इस वाले ऑप्शन को ओपन करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे एड जी पी ओ आर जी, तो आपके सामने एक एरर और आएगा। ये कोई एरर नहीं है, बल्कि ये है इसकी हार्डवेयर आईडी जो इसने ऑटोमेटिक उठाई है। तो ये यहाँ पर कॉपी होगी, ओके के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगी। और कॉपी होने के बाद आपको आना है बैक, और ऑप्शन कीगन वाले ऑप्शन में आपको फिर से जाना है। तो कीगन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, फिर से कीगन वाला ऑप्शन नज़र आएगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा WLGEN एप्सन L3110, तो आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक एप्लीकेशन की गन जनरेट करने के लिए एनेबल होगा। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है लाइसेंस मैनेजर, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें शो कराई जाएंगी एक लाइसेंस जनरेट करने के लिए। यहाँ कोने पर लिखा हुआ है एड लाइसेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ऊपर कस्टमर नाम के अंदर कुछ भी लिखेंगे, कंपनी के अंदर भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर आईडी के अंदर वो आईडी आपको डालनी होगी जो आप अभी कॉपी करके लेकर आए हैं। उस आईडी को डालने के लिए आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हार्डवेयर आईडी जो आपने अभी ओके के बटन पर क्लिक करके वहां से निकाली थी ये आ जाएगी। जैसे ही आपकी ये आईडी आ जाएगी तो इसके सामने बना हुआ आएगा यस का बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर लिखा आएगा द इंसर्टेड हार्डवेयर आईडी इज वैलिड, आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बल्कि सेव के बटन पर सीधा नीचे क्लिक कर देना है। और बीच में लिखा हुआ है डिलीट लाइसेंस के पास क्रिएट लाइसेंस की, आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे। फिर एप्लीकेशन जो फुल खुला हुआ है इसको भी क्लोज करेंगे। ऐप को जो आपके सामने ये ऑप्शन खुले हुए थे सबको क्लोज करके इसे बार बार दो चार बार रिफ्रेश करेंगे और फिर से इस ऑप्शन को ओपन करेंगे एप्सन L3110 मल्टी पीसी को HH करके, यानी जो आपने नाम उसका रखा था वो वाला। अगर आपको नजर आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप बैक आएंगे और कीगन वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही आप कीगन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा जो आपने अभी यहाँ पर कीगन जनरेट की है। आप इस पूरे फोल्डर को यहाँ से कॉपी करेंगे और बैक करेंगे। बैक करने के बाद एप्सन L3110 मल्टी पीसी में जाएंगे और यहाँ पर लाकर उस कॉपी किए हुए फोल्डर को पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इस फोल्डर को पेस्ट कर दिया है। अब इस सारे एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे सारे फोल्डर को, और उसके बाद अपने पीसी को रिफ्रेश करेंगे। फिर से एप्सन L3110 रिसेट टूल में जाएंगे, एप्सन L3110 मल्टी पीसी, और यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है एड जी पी ओ आर जी वाला, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हार्डवेयर आईडी फिर से शो कराई गई है, यानी ये हमारा एप्लीकेशन खुला ही नहीं है अभी तक। तो किसी किसी केस के अंदर ये यहीं से चालू हो जाता है, कभी कभी नहीं भी चालू होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि आपको अगर कोई एरर इस तरह का आता है, जितने ज्यादा एरर आए मैं सभी को सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर कोई एरर इस तरह का आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम जानेंगे। तो अब हमें जो ये हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया था इसको हम डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद फिर से बैक आएंगे, कीगन में जाएंगे, और कीगन में जो हमारा एप्लीकेशन है यानी जो हमने फोल्डर बनाया था अभी कीगन जनरेट की थी उसको हम एक बार ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद REGKEY.DAT वाला ऑप्शन इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कट नहीं करेंगे, यानी ये हमारा यहाँ भी रहना चाहिए और वहाँ भी रहना चाहिए। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। फिर से बैक आए, बैक आने के बाद एप्सन L3110 मल्टी पीसी में गए और यहाँ लाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब के हम यहाँ पर फोल्डर पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि डॉट डेट वाला ऑप्शन जो हमने अभी कीगन जनरेट की थी उसको पेस्ट करेंगे। पहले हमने फोल्डर पेस्ट किया था, कभी कभी फोल्डर पेस्ट करने के बाद भी ये ऑप्शन काम करने लग जाता है। अब एक बार इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम इस पर एड जी पी आर ओ जी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा ओके, आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो चुका है। ओपन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है इस एप्लीकेशन को, लेकिन हमने इसको ओपन करके दिखाया है। ज्यादातर वीडियो के अंदर इसी चीज को मिस कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी प्रिंटर जो भी हमारी प्रिंटर है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ हमारी पोर्ट के अंदर प्रिंटर शो नहीं होती है तो आप अपने प्रिंटर को ऑन ऑफ करके यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
होर्ड के अंदर आपका प्रिंटर यहाँ पर शो होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। अगर शो नहीं होता है आप इस पर काम नहीं कर सकते। यहाँ नीचे दो ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ दायां वाला ऑप्शन जो पार्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड है, इसको ओपन करेंगे। मैं ऊपर वाले ऑप्शनों में से किसी के अंदर भी छेड़खानी करके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इसके अंदर अगर छेड़खानी करेंगे तो आपका प्रिंटर ख़राब हो सकता है। मेंटेनेंस सिस्टम जो है इसी के अंदर हम सारा काम करेंगे। एडजस्टमेंट के अंदर बिल्कुल भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे और ना ही आपको करनी है। ऊपर हेड क्लीनिंग का ऑप्शन है, इंक चार्ज का ऑप्शन है, बेस्ट इंक पेड काउंटर है, शिपिंग सेटिंग है। हमारा जो सबसे अधिक करता है वो है बेस्ट इंक पेड काउंटर, जो हमें शो बार बार एक मैसेज भी मिलता है कि अपना वेस्ट इंक पैड काउंटर को सही करें, यानी उसे खाली करें। हम सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो वेस्ट इंक काउंटर को सही करने के लिए इसी एप्लीकेशन का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारा जो वेस्ट इंक का डब्बा है उसको हमारे बदल कर दे देते हैं और उसी में 2,500-2,500 रुपये का चार्ज बनाकर हमें दे देते हैं। तो हम 2,500-2,500 रुपये का जो चार्ज सर्विस सेंटर वाले लेते हैं हमसे, उसको बचाने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो आप वेस्ट इंक पैड काउंटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, पॉइंट और पॉइंट के अंदर आपको मैन पैड काउंटर ऑप्शन और प्लांटेड पैड काउंटर ऑप्शन। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपको ये समस्या हो रही है नहीं हो रही है, तो मैन पैड काउंटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और चेक के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा चेक करते ही शो कराएगा 6,346 में से कुछ भी पॉइंट आ सकते हैं आपके। आपका 100% मैन काउंटर की दिक्कत है या कुछ परसेंट, यानी अगर आपका यहाँ पर ये परसेंटेज शो हो रहा है, जैसे कि मेरे केस में 100 शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर इसको खाली कर सकते हैं, इसे साफ कर सकते हैं। और अगर ये शो नहीं हो रहा है, 0% है, तो आप बिल्कुल भी, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दें और आपको ये दिक्कत नहीं है, कोई और से दिक्कत है, ये वाली दिक्कत आपको नहीं है। अगर आपको यहाँ शो हुआ 10%, 20% या 50% या 100%, तो इसका मतलब है कि आपको सही करने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर मैन पेड काउंटर पर क्लिक किया, चेक पर क्लिक किया, तो हमारा यहाँ 100% शो हुआ। तो अब हम फिर से नीचे वाले को भी इसी तरह चेक कर लेते हैं। नीचे वाले को चेक करेंगे तो यहाँ हमें दिखाया गया कि 0% है, तो हमें इसका मतलब है ऊपर वाला खाली करना है, नीचे वाला खाली नहीं करना है। तो ऊपर वाले पर टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद चेक के नीचे जो बटन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा कि आप ओके बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब एक दूसरा मैसेज हमें मिलेगा, उस दूसरे मैसेज के अंदर हमें बताया गया है कि हमें अपने प्रिंटर को ऑफ कर देना है। तो हमें अपने प्रिंटर के बटन को दबाना है। जैसे हम प्रिंटर के बटन को दबाएंगे तो हमारा प्रिंटर अगर ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होते ही अब ये हमसे कहेगा कि आप अपने प्रिंटर को ऑन कर दीजिए। तो हम अपने प्रिंटर के फिर से स्विच ऑफ वाले बटन को दबाएंगे और हमारा प्रिंटर ऑटोमेटिक ऑन होने लगेगा। ऑन होते समय जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे प्रिंटर में से आवाज आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आवाज आएगी तो ये हमारा प्रिंटर जो इसका वेस्ट इंक पैड काउंटर फंसा हुआ था वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल 0% पर आपका इंक लेवल आ जाएगा और मैन पैड काउंटर जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपका प्रिंटर बिल्कुल इसकी लाइट भी ऑन हो जाएगी। जो एक लाइट सिंगल उसकी लाइट जलती है और जो कलर वाली पेपर पेच वाली लाइट जलती है वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, ब्लिंक ब्लिंक होना बंद कर देगी। अब देख रहे हैं कि मेरा प्रिंटर बिल्कुल साफ हो चुका है और अब इसकी सिंगल लाइट जल रही है। जो ब्लिंक ब्लिंक लाइट कर रही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। मैं आपको एक फोटो स्टेट भी इसके अंदर करके दिखा देता हूँ और आपको अपने पीसी के स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि बिल्कुल 0% पर आ चुके हैं। सो अब हम एक प्रिंट का बटन दबाते हैं या फिर फोटो स्टेट का, तो हमारा पेपर निकलने लगेगा। जो पहले जाम पेपर हो रहे थे वो बिल्कुल सही से वर्क करने लगेगा। देखो ये हमारा पेपर बिल्कुल साफ प्रिंट निकल कर आ रहा है। अब आपको जो ये चारों बटन है इनमें से जो कैंसिल वाला बटन है उसको थोड़ी देर दबा कर रखना है और इसको आप दबा कर रखेंगे तो फिर ये इसका सही से जो इंक लोडिंग है वो इंक लोडिंग लेना शुरू कर देगा। आप इसको अपने पीसी से भी कर सकते हैं, प्रिंट टूल से।
आप उसको सही से सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपसे सारा ट्रिक नहीं हो रहा है और आप इसमें असमर्थ हैं तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे, या हमें मेल पर कॉन्टेक्ट करें, हम आपको किसी ऐसे एप्लीकेशन की मदद से जिसमें कोई दिक्कत ना हो आपको ये काम करके भी देंगे, आपका प्रिंटर चालू भी करा कर देंगे। इसलिए आपसे हम छोटा सा निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक जो इस तरह प्रिंटर को सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं, सही नहीं कर पाते हैं, या फिर वो जनसेवा केंद्र के संचालक हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।